उत्तराखंड के कुछ जिलों में लगातार बारिश के कारण लोगों को काफी तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें कि जिले में दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पिथौरागढ़ चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग तीसरे दिन भी बंद है। इसी के साथ धारचूला और मुनस्यारी में कई स्थानों पर भी मार्ग बंद है। नदियों के बढ़ते हुए जल स्तर पर प्रशासन के द्वारा नदी के किनारे रहने वालों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी भी उफान पर है। बैराज प्रशासन ने वहां के निचले क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उन पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। बारिश के कारण नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से भी ऊपर है। ऐसे में नदी के किनारे पर रहने वालों के लिए जान का खतरा बढ़ सकता है। इसी चीज को देखते हुए प्रशासन वहां के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है।